से गिराते हैं, ठीक है, और उसके बाद 5 सेकंड बाद नहीं, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सम हाइट, अनदर पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, एक को हमने नीचे गिराया और दूसरे को हमने प्रोजेक्ट कर दिया 5 मीटर पर सेकंड से हॉरिजेंटल के डायरेक्शन में, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? आप सबको पता है, प्रोजेक्टाइल पड़े होंगे कि अगर एक बिल्डिंग से एक को ड्रॉप करते हैं और एक को हॉरिजेंटली फेंक देते हैं तो दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड को कोलिजन करते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट से दोनों सेम टाइम को ग्राउंड पे कोलिजन करते हैं, बोथ द ग्राउंड कोलाइड कोलिजन विद सिमल्टेनियसली, सी ऑप्शन सही है। क्या प्रूव कर दूँ? ठीक है, पढ़े हो थियरी में? नहीं पढ़े हो, चलो एक बार कर देता हूँ। अगर ये ग्राउंड है, एक को यहाँ से हमने ड्रॉप किया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक को यू वेलोसिटी से थ्रो किया जो ऐसे जाएगा, तो वो दोनों ग्राउंड पे सेम पहुँचते हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट है बिल्डिंग की, जो डिस्प्लेसमेंट है वो उन दोनों की सेम है, तो एस इज इक्वल टू यू टी लगा दो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो वाई एक्सिस में। पहले वाले के लिए लगाओ तो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट h हुआ, जब ड्रॉप हुआ था तो इनिशियली वेलोसिटी जीरो, हाफ जी टी स्क्वायर, ग्राउंड तक आने में टाइम t लग गया पहले वाले पार्टिकल के लिए। दूसरा जो है वो एक्चुअली फेंका गया है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो इसकी y एक्सिस में वेलोसिटी जीरो है दूसरे वाले के लिए, तो इसके लिए अगर s इज इक्वल टू यू टी लगाओगे तो वो भी हाफ जी टी स्क्वायर ही आएगा, तो दोनों के लिए टाइम देख रहे हो, दोनों के लिए टाइम सेम आ रहा है। दूसरे वाला के लिए वर्टिकल में वेलोसिटी जीरो है, एस इज इक्वल टू यू टी लगाओ तो उसका भी यही आएगा, तो बोथ कोलिजन टाइम दोनों का सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजेंटल दो अलग, ये दो मोशन कर रहा है, बट आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम कॉमन होता है, ठीक है, तो इसलिए जो टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट सेम है और ये सारी चीज़ें। चलो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में काट